हेलो भाई लोग, अभी मैं इस दीवार के ऊपर रॉयल पर टेक्सचर मेकिंग करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो स्किप करके देखना है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ से टाइमिंग लाइन के ऊपर ज़रूर जाके देखना, ठीक है। तो ये है अपना पेंट है और ये मटेरियल है मेरा, ठीक है। ये जो मटेरियल है ये बहुत पुराना है, यहाँ X136 है, इसमें एक्स मिट चुका है, उतना पुराना डब्बा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें कितना पेंट बचा है, आप हमारे को बताइए इसमें कितना पेंट होगा। जो मटेरियल जो डब्बे में कितना मटेरियल टॉप कोट है हमारे को आप कमेंट करके बताएं, 200 ml है या 400 ml है, आप ये हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताना, भूलना नहीं। तो भाई मैं अभी आपको एक बात बताना भूल ही गया था यार, वो बात अभी हम बता देंगे यहाँ पर, एक बार ध्यान रखना। तो भाई लोग अपने क्या ना टॉप कोट या बेस कोट अप्लाई करने के लिए रॉयल रोलर और पेंट रही इस्तेमाल करके आप करिए, ठीक है। ऐसे करेंगे ना तो आपके जो टेक्सचर मेकिंग करने का जो भी दीवार रहता ना वो इवन परफेक्ट आएगा, और जो टेक्सचर मेकिंग करने में आपको आराम से मेकिंग हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखिए मैं कितनी आराम से टॉप कोट डाल रहा हूँ। और भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो वीडियो है ना बिना एडिटिंग का मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, बिना एडिटिंग का, जो फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं लगा के यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर मेरा टॉप कोट सूखता है या नहीं सूखता, चलो देखेंगे वो भी। अगर सूख गया तो यार अब हमारे को लाइक नहीं मारना। अगर ये बिना टॉप कोट सूखे हुए हम पूरे के पूरे दीवार के ऊपर आराम से टेक्सचर मेकिंग कर लेंगे ना, तो यार आप एक लाइक मार के चले जाना। अगर आपको जानकारी चाहिए हमारे जो टॉप कोट नहीं सूखने की वजह, तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। वो वीडियो लगभग 24 मिनट का वीडियो था, 24 नहीं 14 मिनट का वीडियो था, ठीक है। उस वीडियो में क्या नाम पूरे के पूरे डिटेल्स दे दिए थे। भाई अगर आपको अगले वीडियो में जो मेरा टॉप कोट नहीं सूखने का जो वजह जो रहस्य है वो आपको पता लगना चाहिए, तो यार इस वीडियो को 500 लाइक 500 कमेंट करो बोल के मैं वो वीडियो में बताया। तो यार कोई भी नहीं करे, एक दिन पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुका है। तो यार मुझे तो एक बात पक्का लग गई, आपको किसी को वो फार्मूला के बारे में ज़रूरत नहीं है। तो भाई अभी यहाँ पर मेरा एक कोट टॉप कोट कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इसके ऊपर दूसरा कोट टॉप कोट चढ़ाने वाला हूँ, तो चलिए आप वो भी देखिए। भाई लोग हम सेकंड कोट टॉप कोट इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारा जो है ना, अभी यहाँ पर देखिए कितना कहाँ पतला कहाँ गाढ़ा है, अभी हम सेकंड कोट चढ़ाएंगे ना तो पूरे का पूरा डार्क इवन एक ही जैसा आएगा। तो आप बोल सकते हैं भाई एक ही बार आप चढ़ा सकते हैं ना, तो ऐसे दूसरे बार मतलब क्यों चढ़ा रहे बोल के। भाई आप भी कहना कभी रॉयल पे मेटल चढ़ा है तो आपको समझ में आता है, एक ही बार आप कभी कभी दो टाइम रूलर घुमा देते हैं कि नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उसको समझ में आता है। जब टॉप कोट चढ़ा रहे टाइम उन्होंने दो बार रूलर घुमा देता है, तो हम दो बार नहीं घुमाते, सिर्फ एक ही बार रूलर घुमा देते हैं, फिर बाद में एक ऐसा पूरे का पूरा दीवार डाल देके फिर दूसरी टाइम चढ़ाते, तब जाके हमारा टॉप कोट कहीं जरा डार्क जैसा बनता है। यहाँ पर देखिए कितनी आराम से कितनी डार्क डार्क लाल लाल, मतलब एक जगह डार्क है एक जगह लाइट है, ठीक है। हम ऐसे ही पूरे के पूरे दीवार के ऊपर मटेरियल चढ़ाते ताकि हमारा जो टेक्सचर मेकिंग करते टाइम कहाँ लाइट और कहाँ डार्क नहीं आना चाहिए।
भाई लोग, अभी अपना इसका सेकंड कोट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी अपन इसको छोड़ेंगे, एक 5 मिनट सूखेगा ये, उसके बाद में अपना डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर हम 2-3 मिनट की वीडियो को कट करना पड़ा। क्यों बोलता है ऐसे, आप 5 मिनट नहीं देख सकते दीवार को, उसी के लिए हम क्या ना यहाँ पर दो तीन मिनट का वीडियो को कट करके फिर प्ले कर रहे हैं। तो भाई लोग, यहाँ पर अपना दो कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी दीवार सूख भी चुके हैं 5 मिनट। अभी तनवीर आया वीडियो निकालने के लिए, तनवीर वीडियो निकाल रहा है। अभी मैं इसके ऊपर ये रूलर से टेक्सचर निकालने वाला हूँ। ये जो रूलर है ना, यहाँ पर जो काम करा वो नुस्खा है, उन्हें यहाँ पर छोड़ के चल गए इस रूलर को, तो अपन इसी रूलर से इसके ऊपर टेक्सचर बनाएंगे। तो भाई लोग, डिस्क टेक्सचर या कौन सा भी टेक्सचर हो, उसको मेकिंग करने के लिए एक छोटी सी बेसिक रूल होती है, वो रूल अपन निभाएंगे ना, कौन सा भी टेक्सचर आराम से आता है बिना जोड़ का, जैसा यहाँ पर आया था एक जोड़। तो भी अपन बिना देरी करे हुए डिज़ाइन शुरू करेंगे, वो भी अपना रैगिंग रूलर से डिस्क टेक्सचर। तो भाई लोग, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आपके हाथ किस तरफ घूमते हैं, लेफ्ट या राइट, आपको पहले वो बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने को डिज़ाइन मेकिंग करना है तो लेफ्ट घूमती है अपने हाथ या राइट घूमती है, मतलब क्या बोला था यार, कैसे समझाऊँ, ठीक है, अपने हाथ किस तरफ ईजी घूमता है, राइट से लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट से राइट, कौन सी तरफ अपने हाथ घूमने में कंफर्ट है, पहले अपने को वो बात ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद में अपना डिज़ाइन शुरू करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या ना, मेरा हाथ क्या कि इस तरफ घूमता, तो मैं यहाँ से डिज़ाइन शुरू करता, मतलब इस तरफ से शुरू करना, आपका हाथ इस तरफ घुमा तो आप यहाँ से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अपन पहले ये बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए, पहले अपना रूलर से क्या ना, पहले सीलिंग के पास एक सीधा सा सीधा लाइन मारना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सचर में। तो चलिए अब अपन चलते दीवार के ऊपर, आप वहाँ पूरे के पूरे बताते बताते हुए काम भी शुरू करता हूँ मैं। पहले क्या ना, अपने को रूलर लेके सीलिंग को ऐसा लगाना पड़ता है, ताकि यहाँ पर क्या ना, सीलिंग को चिपका देके ऐसा सीधा का सीधा लाइन मारना पड़ता है। पहले यहाँ पर देखिए, मैं जैसे मार रहा हूँ, पहले आपको ये लाइन मारना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों बोलते हो, सीलिंग के पास टेक्सचर नहीं आता, तो क्या ना, अपने को जो भी किनारे रहते हैं ना, वो किनारे पे ऐसे अपने को एक सीधा लाइन बनाना पड़ता है। दीवार के कोने या कबोर्ड्स के कोने, जो भी कोने रहते हैं ना, वो कोने के पास एक सीधा कैसे ऐसा लाइन बनाइए, ताकि आपका टेक्सचर कंप्लीट हो बाद सुंदर दिखेगा। तो ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर मेकिंग करने के लिए भी क्या ना, अपने क्या करना बोलते हैं, सबसे पहले अपने को रूलर को क्या ना मेज़र करना पड़ता है दीवार के साथ, सीलिंग के साथ। यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर लगाया, मतलब यहाँ पर सीलिंग को टच हो रहा, तो उतना टच नहीं होना, थोड़ा नीचे लेके अपने क्या ना ऐसा आड़ा लगा के रूलर को घुमाना पड़ता है डिस्क टेक्सचर। ये तो यार आप सभी को मालूम है, आधा ही सर्किल घुमाना अपने को रूलर, ठीक है, आधा ही बोले तो आधा ही सर्किल घुमाना, ऐसे अपने को पूरे के पूरे फुल टू फुल पैटर्न मेकिंग नहीं करना। तो यहाँ पर क्या ना काउंटिंग रहता है, यहाँ पर देखिए वो जो लाइन है ना, मैं लाइन के पास में छोड़ दिया, ठीक है, लाइन के पास में छोड़, लाइन तक नहीं गया, तो अभी आपको मैं काउंटिंग दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पर 11 में, ये 11 वाला यहाँ पर मैं नहीं बनाऊँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बनाऊँगा ही नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ, क्यों बोलते इसके नीचे आता है, तो वहाँ पर ऐसा गैप रहना ज़रूरी है, एक के नीचे डिज़ाइन नहीं आना, तो ऐसे इसको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अपना जो रूलर का चेंज नहीं आता। यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर मैं यहाँ पर भी नहीं घुमा रहा हूँ, इसको भी यहाँ पर छोड़ दिया। तो अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक आया, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ पर मैं नहीं घुमा रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे अपने को बनना चाहिए, जैसा कि एक के नीचे एक पूरा गैप देते देते हुए अपने को टेक्सचर मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी चलिए अपन फिर यहाँ पर क्या ना, ये जो लाइन को मिला लेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ इसके नीचे ही छोड़ दिया था, लाइन के पास में छोड़ दिया था, मतलब लाइन के ऊपर
मुझे लाइन बनाना है, तो उसके लिए हम वहाँ पर भी थोड़ा सा गैप दें, आप भी वैसे गैप दीजिए। और ये लाइन क्या कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है लाइन। ये लाइन नहीं बनाएंगे ना तो अपना क्या ना पूरे का पूरा दीवार के ऊपर टेक्सचर ईजी नहीं दिखेगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को, ये जो लाइन सीधा का सीधा मारना। तो चलिए अभी आपको मैं फिर से शुरू करता हूँ, जहाँ से अपना डिज़ाइन ख़त्म हो ऊपर के लेवल से शुरू करना पड़ता है, अपने नीचे का लेवल शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर करते करते यहाँ पर क्या ना एक स्विच बोर्ड आ गया, तो मैं स्विच बोर्ड के इस पार नहीं लगाता हूँ, स्विच बोर्ड के ऊपर भी घुमा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी पैकिंग कर लिया, हम स्विच बोर्ड के ऊपर भी घुमा देंगे। ऐसे घुमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके अपने को एक पर्टिकुलर शेप बनता है दीवार के ऊपर, ठीक है। अगर आप काम करते टाइम आपका जो ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स वो भी रहते हैं ना, मतलब ये जो लाइट के वो पॉइंट को भी आपको पूरे के पूरे रिमूव करके टेक्सचर मेकिंग करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हम जो लाइट को पॉइंट आया उसको हम रिमूव कर दिए, खाली डम्मी है, डम्मी के ऊपर वायर को हम नीचे करके बना दिए, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही करना पड़ता है यार, जो भी रहेगा वो जो लाइट की पॉइंट होल्डर विल्डर है उसको रिमूव कर लेना पड़ता है, रिमूव करके अपने क्या ना और डम्मी के ऊपर बना देना, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या ना हमारे को एक पाइप बनी है नीचे, वो भी हम बता देंगे चलते चलते। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर भी छोड़ दिया गैप एक, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या ना हमारे हाथ लंबी हो रही बोल के ऐसे इस तरफ दूसरे हाथ बदलना नहीं दोस्तों, ठीक है। अपनी हाथ लंबी हो रही है, जो हाथ से अपन घुमाए वही हाथ से घुमाना है, नहीं हम दूसरे हाथ से घुमाएंगे ऐसे बोल के करेंगे ना तो अपना जो डिज़ाइन है ना वो इवन नहीं आता, वो फिर से फिर लाइन से हट जाता है, ठीक है। आप पहले ये बात ध्यान रखिए, आप जो भी स्टूल पर रहते हैं उतर के और स्टूल को सरक लीजिए, ऐसा जैसा अभी हम यहाँ पर सरक आया, ठीक है। मतलब स्टूल को आप उस तरफ ले जाके डिज़ाइन बनाइए, ताकि आपकी हाथ कंफर्ट की, मतलब एक ही हाथ से अपने को जो टेक्सचर के ना पूरी की पूरी करना पड़ता है। काम करते वक्त, डिस्क टेक्सचर मेकिंग करते वक्त आप दूसरा हाथ को बदल के डिज़ाइन करना बहुत गलत काम होती है, पहले आप ये बात बहुत ध्यान से रखिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखिए कैसे बना है, जैसा अपना सीढ़ी रहता है ना, सीढ़ी स्टेप्स ऐसी बनी है कि मतलब स्टेप की जैसा हम एक एक कुछ छोड़ के आना पड़ा, जैसे सीढ़ी रहता है ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, ताकि अपना डिज़ाइन में क्या ना जोड़ नहीं बनती है, मतलब जो सूखे तो भी जोड़ नहीं बनती है। डिस्क टेक्सचर अपन क्या ना अपना ये जो रूलर की डायरेक्शन बदल देंगे, ये पूरे के पूरे एक लेवल डाल के करेंगे तो भी अपना टेक्सचर में, डिस्क टेक्सचर में जोड़ डेफिनेटली बनता है। तो आपने क्या ना ऐसे स्टेप की माफी छोड़ना पड़ता है, ताकि वो जो एक लंबी लाइन जैसा ना बने, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर देखिए, इससे छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप करते करते भूल जाके कहना है लेवल, ऐसे मत करते जाना, ठीक है? ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए आपको, ऐसे छोड़ना चाहिए, तभी अपना जो डिज़ाइन इवन बनती है। अब कहना हड़ावड़ी में जो करते करते जाते हैं जल्दबाजी में, तो ये ऐसी बन जाती है। तो कहना उस जल्दबाजी मत रखिए, ऐसे कहना आप गैप देते हुए टेक्सचर मेकिंग करिए, तो यार आपके टेक्सचर इतना खूबसूरत बनेगी जितना ये कंप्लीट हुए बाद में बना। तो भाई अगर आपको ये वीडियो इसमें ये जो ट्रिक आपको अच्छी लगे, तो यार हमारे को ज़रूर कमेंट करके बताना यार। तो भाई अभी ये जो वीडियो है ना यार, ये जो वीडियो हम कहना बिना एडिटिंग करें, मतलब कहाँ भी कटिंग नहीं करे हुए पूरे का पूरे हम वीडियो अपलोड करने वाले, तो यार ये जो डिज़ाइन हमारे कंप्लीट होते हैं, कम से कम मेरे को तो यहाँ से कम 25 मिनट की टाइम लगी, ठीक है? 25 मिनट की चिल्लर की मुझे टॉप कोट में डाल के आपसे बात करते हुए टेक्सचर मेकिंग कर रहा हूँ। तो यार इतनी देर मेरी जो टॉप कोट है ना नहीं सूखी, और मैं क्या टॉप कोट सूखने के लिए भी एक 2-3 मिनट छोड़ दिया ये टेक्सचर मेकिंग करने से पहले। अगर आप वीडियो पूरे के पूरे नहीं देखे तो यार देखे तो आपको समझ में आता है। और हम वीडियो बिना एडिटिंग करे इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हम कितने आराम से काम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए हम कितने आराम से काम कर रहे हैं, जल्दबाजी तो ज़रूर भी नहीं कर रहे हैं, आराम से हम हमारा काम करते हुए जा रहे हैं ताकि हमारे जो दीवार है ना नहीं सूखेगी यार। इसकी वजह क्या बोलते हो आपको, मैं एक वीडियो परसों अपलोड कर से एक वीडियो में बताया था, आप लोग क्या ना वो काम नहीं कर पाए, तो यार मैं इसमें वो आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? मैंने वो वीडियो को कहा ली एक ही दिन में 500 लाइक्स, 500 कमेंट पूछा, 500 पूछा, 500 के नहीं पूछा, ओनली 500 पूछा, तो भी आप नहीं कर पाए। तो यार मुझे ये तो बात समझ में आ गई आपको क्या ना इसमें ये जो फार्मूला जानने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो भाई चलिए यार इसके बारे में तो अभी पूछना नहीं, ये जो हमारे जो आपको नहीं सूखने की वजह तो आप हमारे को कमेंट में नहीं पूछने। तो भाई लोग ये जो दीवार है ना मेरा पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार दीवार देख लेना। तो भाई लोग यहाँ पर देखिए हमारा जो डिस्क टेक्सचर है ना एकदम सीधा का सीधा लाइन आया जैसे आया, और कहाँ भी क्या ना बीच में से जोड़ नहीं आया,
और एक के ऊपर एक चढ़ा जैसे भी नहीं है, मतलब जो रॉन्ग डायरेक्शन में अपन हाथ नहीं घुमाए तो अपन हाथ बदल के रॉन्ग डायरेक्शन में घुमाते हैं ना तो अपनी जो है ना टेक्सचर में, डिस्क टेक्सचर में जोड़ आ जाती है, वो तो यहाँ पर नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो कैसे लगा हमारे ज़रूर आप कॉमेंट करके बताएं ना, अगर किसी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक मार देना। ठीक है, हम इतने आराम से काम करें यहाँ पर, कुछ जल्दबाजी भी नहीं करें, उसके लिए हमारा वीडियो क्या ना 28 मिनट चिल्लर की वीडियो बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यार यहाँ पर देखिए ये जो दीवार है ना, ये दीवार के ऊपर भी हम बेस कोर डाल दिए और इसके ऊपर भी हम क्या ना टेक्सचर मेकिंग करने वाले और लाइव करने वाले हैं। अगर आप कोई भी वो लाइव नहीं देखे तो हम एंड स्क्रीन में दे देंगे, देखना ये है कंप्लीट वॉल, ये भी कंप्लीट हो चुका है, हम एंड स्क्रीन में लाइव देंगे, देख लेना।